अभी तक हम लोगों ने मेंस्ट्रुएशन के दो पार्ट्स देखे हैं, जिसमें हम लोगों ने ट्रायंगल के बारे में जाना और इनर सर्कल और आउटर सर्कल के बारे में जाना। आज मैं ये वीडियो में रेक्टेंगल एंड स्क्वायर की प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करूँगा। थोड़ा थोड़ा ही करके पढ़ाएंगे, बताएंगे आपको ताकि समझ में ज़्यादा आए। और इसके बाद मैं पैरेललोग्राम्स एंड रोम्बस वगैरह की प्रॉपर्टी अगले वीडियो में बताऊँगा। अभी रेक्टेंगल की ही बात कर लेते हैं। तो रेक्टेंगल नॉर्मली पता ही है क्या होता है। रेक्टेंगल एक ऐसा फिगर है जिसकी दो साइड्स आपस में इक्वल होती हैं। दो साइड्स, चारों साइड्स इक्वल नहीं होंगी, बट दो साइड्स इक्वल होंगी, आमने सामने वाली पैरेलल जो होंगी वो इक्वल होंगी। तो ये साइड इसके इक्वल हो जाएगी और ये वाली इसके इक्वल हो जाएगी, ठीक है। तो ये मान लिए ब्रेथ है हमारी और ये जो है लेंथ है, लेंथ एंड ब्रेथ होती है इसमें। और एक और ये होता है कि आमने सामने की साइड जो होंगी इक्वल होंगी और 90 डिग्री की ही होंगी। 90 के अलावा यहाँ पे एंगल कोई नहीं हो सकता, ठीक है। और इनके बीच में जो ये ड्रॉ कर देते हैं इसको हम लोग डायगोनल बोलेंगे। ये तो सारी बातें नॉर्मल हैं। तो अब इसमें देखते हैं कि अगर जो हमको रेक्टेंगल का एरिया निकालना होगा तो क्या होगा। ट्राइंगल के एरिया में मैंने जैसे एक नॉर्मल फॉर्मूला बताया था, हाफ इंटू लेंथ इंटू ब्रेथ, ठीक है। तो वो फार्मूला यहीं से आया है, रेक्टेंगल्स की प्रॉपर्टीज से ही वो ड्राइव किया गया है। तो यहाँ पे हम लोग उस फार्मूले को लिख सकते हैं डायरेक्ट कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ। तो ये फार्मूला जो होता है इसको हम लोग नॉर्मली कह सकते हैं कि इसको हम ड्राइव भी कर सकते हैं। जैसे वहाँ पे मैंने बताया था बेस इंटू हाइट, ठीक है। तो इसको हम इनडायरेक्टली लिख सकते हैं कि ये जो है बेस, क्योंकि इसकी जो ये बेस है वो एल है ना, बेस, तो बेस इंटू हाइट जो है वो ब्रेथ है। तो इसको बेस इंटू हाइट लिख सकते हैं। तो अगर जो हम लोग ध्यान रखें तो हमने जो वहाँ पे ट्रायंगल में किया था तो इसी में हाफ़ को जोड़ दिया था, ठीक है। तो वो हाफ़ कहाँ से आया वो भी देख लेते हैं, थोड़ा सा ही डेरिवेशन कह सकते हैं, ठीक है। तो ये मान लिया रेक्टेंगल था पी क्यू आर एस, ठीक है। तो ये जो पूरे का एरिया हमारे पास बेस इंटू हाइट से आता है, ठीक है। अगर जो हमको हाफ का निकालना है ये, तो ये एक ट्राइंगल बनना है ना, तो यानी कि पी एस आर का एरिया अगर जो करेंगे तो इसमें 1/2 ऐड हो जाएगा। तो इसी से वो आता है जो हमने ट्राइंगल में बताया था आपको एरिया निकालने का। ये जनरल फार्मूला है, कहीं भी लगा सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे बात आती है कि डायगोनल्स की लेंथ क्या होगी। पेरीमीटर तो नॉर्मली पता ही है कि पेरीमीटर क्या होता है। तो पेरीमीटर जो होगा, पेरीमीटर जो होगा ये सबका सम हो जाएगा डायर नॉर्मली, कोई अलग से फॉर्मूला याद करने की ज़रूरत नहीं है, सबका सम होगा। तो यानी कि एल जो है वो दो बार है, एल प्लस बी प्लस बी, यानी कि इसको हम लोग लिख सकते हैं 2L+B, क्योंकि ये हो गया ना, इसको इम्प्लाइज दैट 2L+2B। अब यहाँ से 2 हमने कॉमन निकाल लिया, L+B हमने लिख लिया, तो यानी 2L+B ये पैरामीटर का फॉर्मूला हो गया। अब आता है कि डायगोनल क्या होगा इसका, डायगोनल का कैसे हम लोग निकालेंगे कि डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल का कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला जो है वो पाइथागोरस थ्योरम ही है पूरा, ठीक है। तो डायगोनल जो होता है वो इज़ इक्वल टू पाइथागोरस, क्योंकि राइट एंगल ट्राइंगल है, ये हमारा डायगोनल खिंचा हुआ है। तो इसका जो हो जाएगा पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, हाइपोटेनियस स्क्वायर। ये जो होता है ये डायगोनल जो है ये हाइपोटेनियस ही तो है। तो अब हाइपोटेनियस का स्क्वायर जो होता है बेस का स्क्वायर यानी कि एल का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर यानी कि ब्रेथ का स्क्वायर। तो ये हमारा हो गया डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है। डायगोनल का एक और फार्मूला होता है नॉर्मली, इस पे भी कभी कभी क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं तो वो मैं बता देता हूँ। तो डायगोनल का एक और फार्मूला जो है, डायगोनल इज इक्वल टू जो होता है अंडर रूट पेरीमीटर का स्क्वायर यानी कि पेरी मीटर का स्क्वायर बाय 2 - 2 × एरिया। नॉर्मली अगर जो आपको ये नहीं भी आता है तो थोड़ा प्रोसेस लंबा होगा, बट आपका आंसर ज़रूर आ जाएगा। इसमें इन्हीं फार्मूले से ज़्यादातर पूछे जाते हैं। अब देखते हैं यहाँ पे, ये तो बेसिक से फार्मूले हो गए। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं कि अगर कि अब हम लोग देखेंगे कि अगर जो मान लीजिए कोई हमारे पास रेक्टेंगल है,
ठीक है, तो उसमें अगर जो इनर सर्कल ड्रॉ करें तो उसका क्या प्रॉपर्टीज़ होगी? ठीक है, तो मान लीजिए हमारे पास ये कोई रेक्टेंगल है, इसमें अगर जो इनर सर्कल क्या होता है, ऐसा मैक्सिमम लेंथ का ऐसा सर्कल जो अंदर ड्रॉ किया जा सकता है, तो ये मान लीजिए हमारा कोई सर्कल मैक्सिमम लेंथ का है, इसमें ड्रॉ किया जा सकता है, तो इसमें डायमीटर क्या होगा? ये जो डायमीटर आ रहा है, तो ये एक हिसाब से ये हमारी ब्रेथ थी और ये एल था, तो अब इसमें नॉर्मली हमसे पूछा जाएगा कि इसकी रेडियस क्या है, तो सिंपल हमको पता चल रही है। ठीक है, क्या पता चल रहा है? इसमें कभी कभी क्वेश्चन आ जाते हैं, वैसे तो ये ज़्यादा इजी है। तो रेडियस जो होगी वो ब्रेथ का हाफ होगी ना, क्योंकि डायमीटर पूरा आ गया तो ब्रेथ ब्रेथ बाय टू कर देंगे तो वो रेडियस आ गया। अब अगर जो यहाँ से आपको आर की वैल्यू पता चल जाए तो आप एरिया इजीली निकाल सकते हैं, तो एरिया हो जाएगा एरिया इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, तो अंदर वाले का एरिया आ जाएगा। तो आपसे कुछ भी पूछे कि मान ले कह रहे कि इनर सर्कल को छोड़ के बचा हुआ एरिया बताओ, तो रेक्टेंगल के एरिया में इस सर्कल का एरिया माइनस कर देंगे तो साइड का जो बचा हुआ एरिया है वो आ जाएगा, तो आपको किसी भी तरीके से घुमा सकता है। तो ये छोटी सी बात थी, इतने में ख़त्म हो गई। अब दूसरा कॉन्सेप्ट यहाँ पे देखते हैं कि कभी कभी आता है कि पार्क रेक्टेंगुलर शेप का है और उसके चारों तरफ अगर जो बाउंड्री बनाई गई है तो बाउंड्री की एरिया कितना होगा, तो उस टाइप्स के क्वेश्चंस भी आ जाते हैं। तो मान लीजिए ये कोई प्लॉट था या रेक्टेंगुलर प्लॉट, और इसमें चारों तरफ कोई बनाया गया, इसमें मान लीजिए एक बाउंड्री खींची गई अंदर की तरफ या बाहर की तरफ, कहीं भी कुछ भी कह सकता है वो क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू। तो इसकी मान लीजिए लेंथ ये थी हमारे पास और ब्रेथ ये है। ठीक है, तो अब इसमें क्वेश्चन पूछेगा कि ये जो हमारा एरिया बन रहा है इसका मतलब एरिया क्या होगा। ठीक है, तो ये भी इजी है, इसके लिए कुछ लोग होते हैं डायरेक्ट फार्मूला बताते हैं, बट मैं यहाँ कह रहा हूँ कि फार्मूले कितने याद रखेंगे आप, आखिर कब तक फार्मूले याद रखेंगे? तो इसके लिए सिंपल सा एक कॉन्सेप्ट ही याद रखिए कि बाहर का जो रेक्टेंगुलर का एरिया है उससे हम अगर जो छोटे वाले का माइनस कर देंगे तो आ जाएगा। ठीक है, तो यानी कि एरिया ऑफ शेडेड रीजन देख लेते हैं। ठीक है, शेडेड पोर्शन इज इक्वल टू होगा एरिया ऑफ बिग रेक्टेंगल माइनस एरिया ऑफ स्मॉल रेक्टेंगल। ठीक है, यही लिख लेते हैं केवल लिखने के लिए। अब अगर जो इधर मान लिया ये हमारा, ये पूरी जो लेंथ है ये कुछ फिक्स है, मान लिया फिक्स है कि ये 5 मीटर की है। ठीक है, 5 मीटर की, और पूरी हमने ये मान ली कि हमारा जो ब्रेथ थी ये ब्रेथ है हमारी 10, और इधर ये जो मान लिया ये है 20। ठीक है, तो अब हम लोग इसको कैसे अप्लाई करेंगे वो देख लेते हैं। अप्लाई करने के लिए अब अगर जो पहले हमने देखा तो उसका बाहर वाले का लेंथ इंटू ब्रेथ करेंगे अगर जो, तो 20 × 3 यानी कि 200 आ जाएगा। ठीक है, और माइनस डायरेक्ट में करके बता रहा हूँ क्योंकि वो तो पता ही है लेंथ इंटू ब्रेथ आ जाएगा, वो 200 आ जाएगा। ठीक है, अब इसमें यहाँ पे देखने वाला है कि इधर से हमारा 5 लेंथ कम हो चुकी है। ठीक है, और इधर से सॉरी इसको 2 कर लेते हैं क्योंकि इधर अगर जो 5 5 लेस कर देंगे तो पूरा 10 ही माइनस हो जाएगा, तो 0 हो जाएगा, तो इसलिए यहाँ पे हम 2 मीटर मान लेते हैं। ठीक है, तो 2 एंड 2 जब किया तो यानी 4 टोटल ब्रेथ में 4 माइनस हो गया, तो जो इतनी अंदर वाली वैल्यू है तो वो केवल 6 बची। ठीक है, और अगर जो इधर हमने देखा तो इधर भी 2 एंड 2 माइनस किया तो 4 हो गया माइनस, तो इधर पूरा 16 बचा। ठीक है, तो इसमें 16 × 6, ठीक है, ये इतना माइनस करेंगे तो एरिया आ जाएगा, यानी कि 16 × 6 करके देखते हैं, 6 6 36 का 6 3 कैरी 6 6 7 8 9। ठीक है, तो 200 − 96 अगर जो कर देंगे तो ये सॉल्व करके आ जाएगा, तो ये एरिया हो जाएगा हमारा रेक्टेंगल का। ठीक है, और अब देखते हैं तो ये कितना हो जाएगा, देख लेते हैं, ये 4 हो गया, यहाँ बचा 9, 9 में से 0 एंड 1, 104 आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है, अब इसी तरीके से क्वेश्चन आपको दे देगा कि रेक्टेंगुलर प्लॉट है कोई इस टाइप से, और ये मैं करके थोड़ा बता दिया है कि आपको समझ में आए। तो ये रेक्टेंगुलर प्लॉट है कोई, इसमें अंदर की तरफ इस टाइप से अगर जो कोई लाइन वो खींचा जाता है, बाउंड्री बाउंड्री है कुछ भी पाथ कह सकते हैं कि पार्क में इतना वॉकिंग करने के लिए इतना पाथ स्पेशल छोड़ा गया है, इस टाइप से क्वेश्चन आते हैं।
तो उसमें भी कोई घबराने वाली ज़रूरत नहीं है। तो ये मान लीजिए एक्स लेंथ का था, तो इसमें भी कॉन्सेप्ट्स लोग देते हैं, बट कोई कुछ याद करने की ज़रूरत नहीं है। केवल आप इतना ध्यान रखिए कि इसकी मान लीजिए पूरा लेंथ जो है वो एल है, और ये जो है ब्रेथ पूरी पूरी की बात कर रहा हूँ वो है बी, और ये जो हमारा छोटा सा पाथ है इसकी एक्स है, ठीक है। तो अब एक्स है, अब इसमें हम लोग देखें अगर जो, तो ये इतना इतनी लेंथ का और ये पूरी ब्रेथ का एक छोटा सा रेक्टेंगल बन रहा है, ठीक है। तो रेक्टेंगल का एरिया हमको पता ही है, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। तो एक तरफ हमने लगाया, नेमिंग कर लेते हैं इसका, मान लीजिए पी क्यू आर एस, ठीक है, और यहाँ पे कर लेते हैं ए बी सी डी। तो पी क्यू आर एस जो है वो भी एक छोटा सा रेक्टेंगल है, ठीक है। तो इसमें हम लोग करेंगे जो पूरा शेडेड रीजन है उसमें हम लोग एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ये मान लीजिए रेक्टेंगल का साइन पी क्यू आर एस प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल जो ये बन रहा है, या दूसरा वाला रेक्टेंगल ए बी सी डी, ये दोनों को जब हम प्लस करेंगे तो यहाँ पे एक बीच में स्क्वायर बनना है जो कि दो बार आ रहा है, तो इसका एरिया हमको माइनस करना पड़ेगा, एक ही बार काउंट करना है ना। तो माइनस एरिया ऑफ स्क्वायर, ये जो बीच में बनना है बीच में, इसका एरिया हमको माइनस करना पड़ेगा, तो ये हमारे पास आया। तो आप समझ रहे होंगे कि एरिया ऑफ स्क्वायर क्यों माइनस करना पड़ा, क्योंकि डबल आ रहा है। तो ये एक कॉन्सेप्ट हो गया आपका। इस कॉन्सेप्ट पे भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं, स्क्वायर का एरिया यहाँ पे माइनस करना पड़ेगा तभी आपका ये आंसर पूरा आएगा। तो चलिए अब यहाँ पे अब बात कर लेते हैं स्क्वायर की। सेम कॉन्सेप्ट है, पूरा कॉन्सेप्ट सेम है, अगर जो आप इसे समझ गए तो स्क्वायर आपके लिए बहुत बाएं हाथ का खेल है, क्योंकि उसमें सारी साइड्स इक्वल हो जाएंगी, बाकी सारा कॉन्सेप्ट सेम है। चलिए देखते हैं स्क्वायर का भी। ये मान लीजिए हमारा कोई स्क्वायर है, स्क्वायर की सारी साइड्स तो सारी सेम ही होंगी, तो ये मान लीजिए साइड सारी ए है, ठीक है सारा। अब यहाँ पे जब सारी साइड्स इक्वल हो गई तो हम लोग इसके इसमें पैरीमीटर का फॉर्मूला पहले देखेंगे। पैरीमीटर का कोई अलग से याद करने की ज़रूरत नहीं है, पैरीमीटर जो होगा वो सब साइड का सम होगा, यानी कि ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए, दैट इज़ इसको अब डायरेक्ट फार्मूले के हिसाब से लिख लिया जाता है तो वो 4a हो जाता है, ठीक है। एरिया के लिए कोई अलग फार्मूला नहीं है, यानी कि बेस इंटू हाइट मैंने बताया है कि कहीं भी लग जाएगा, बेस इंटू हाइट लगाएंगे तो बेस भी इसका ए है, हाइट भी इसकी ए है, इसलिए साइड स्क्वायर होता है फार्मूला, तो वो यहाँ पे हो गया, यानी ए साइड है तो साइड स्क्वायर फार्मूला होता है, आपने सुना होगा, तो वो भी हो गया। अब डायगोनल के लिए मैंने बताया है कि यहाँ पे 90 डिग्री होता ही है, तो आप यहाँ पाइथागोरस लगा के निकाल सकते हैं। तो पाइथागोरस लगा के अगर जो देखा जाए तो डायगोनल का जो फार्मूला आता है वो ए रूट टू आता है, ठीक है। तो वो मैं बता दूँ ए रूट कहाँ से आता है, ए रूट टू। तो इसमें हाइपोटेनियस निकालनी पड़ेगी ना, ये हाइपोटेनियस क्या डायगोनल ले लेते हैं, डायगोनल का स्क्वायर जो होगा अंडर रूट परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे डी जो है अंडर रूट 2a स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। और अब जब ये 2a स्क्वायर आया तो अब यहाँ से a स्क्वायर का a बाहर आ गया, रूट 2 अंदर ही रहेगा, तो यानी कि डायगोनल इज इक्वल टू a रूट 2। आई होप ये समझ में आया होगा कि हाँ डायगोनल का फार्मूला क्या होता है एग्जैक्टली स्क्वायर का। तो अब यहाँ पे एक एरिया का फार्मूला बन जाता है एक और, जो कि नॉर्मली कभी कभी आ जाते हैं क्वेश्चन इस फार्मूले पे भी। तो एरिया ए होता है, एरिया इज इक्वल टू डायगोनल का स्क्वायर बाय 2। ये फार्मूले नॉर्मली याद करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर जो आते हैं आपको तो आप इन्हीं फार्मूले से ही आप अपने आप कॉन्सेप्ट लगा लगा के आंसर निकाल लेंगे, कोई एक्स्ट्रा फार्मूला याद करने की ज़रूरत नहीं है मेरे हिसाब से। अब चलिए इसमें इनर सर्कल का कॉन्सेप्ट देख लेते हैं, ठीक है। इनर सर्कल का कॉन्सेप्ट सेम रहेगा, जो रेक्टेंगल में हमने देखा था उसी टाइप का कॉन्सेप्ट रहेगा। तो अब इसमें अगर जो हम सर्कल को अंदर ड्रॉ कर लेते हैं तो सर्कल जो होगा कुछ इस टाइप का बनेगा कि चारों साइड से टच करता हुआ जाएगा, मैक्सिमम लेंथ का जो सर्कल हम ड्रॉ करेंगे। तो इसमें जो डायमीटर होगा वो उसकी साइड ए के बराबर होगा, क्योंकि सारी साइड्स ए हैं। तो
अब इसका जो रेडियस होगा, रेडियस तो रेडियस जो होगा वो ए बाय टू होगा, यानी कि साइड बाय टू, साइड बाय टू। अब इसमें हम लोग एरिया कहाँ जाएगा अगर जो, तो एरिया इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, आर की वैल्यू हमने निकाल ली है वहाँ से, तो आर इज इक्वल टू भी आ गया। अब अगर जो स्क्वायर में हम लोग देखें कि सर्कम सेंटर, सर्कम सर्कल का क्या कॉन्सेप्ट है, तो यहाँ पे मान लिया हमने कोई स्क्वायर बनाया, तो अब सर्कम सर्कल के लिए कोई एक ऐसा सर्कल ड्रॉ करना पड़ेगा जो सबको टच करता हुआ जाए मैक्सिमम लेंथ का। तो कोई मान लिया हमने ये है, हो गया हमारा सर्कल ऊपर बन गया, ठीक है। तो अब इसका रेडियस क्या होगा, तो इसका जो डायमीटर होगा एग्जैक्टली वो इसका रेडियस होगा। तो अगर जो सर्कम सर्कल बना हुआ है तो रेडियस जो होगा, रेडियस इज इक्वल टू डायगोनल, डायगोनल बाय टू, ये डायगोनल का टू हो जाएगा, ठीक है। तो रेडियस ऑफ सर्कम सर्कल अगर जो लिख देते हैं, सर्कम सर्कल, ठीक है, सर्कम सर्कल, तो ये हो गया डायगोनल बाय टू। तो अगर जो यहाँ पे एरिया पूछा जाएगा तो पाई आर स्क्वायर लगा के, और यहाँ से हम वैल्यू निकाल चुके होंगे तो हम इजीली यहाँ पे लगा सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं कि रिलेशन क्या होगा अगर जो हम लोग देखते हैं कि एरिया ऑफ इनर, रेडियस ऑफ इनर सर्कल एंड रेडियस ऑफ सर्कम सर्कल का, तो रिलेशन देख लेते हैं क्या है। तो रेडियस ये नॉर्मली डायरेक्ट ही आ जाता है, तो रेडियस, रेडियस ऑफ इनर सर्कल, इनर सर्कल ऑफ स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू अपॉन में मान ले करते हैं, और रेडियस ऑफ सर्कम सर्कल ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 1/√2। तो ये कहाँ से आता है ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो कोई भी स्क्वायर हो सकता है, इस पे हम लोग, इसमें हमने पिछले में देखा कि ए जो होता है, ए का ए बाय टू जो होता है वो होता है हमारा, वो हमारा होता है क्या, ए बाय टू अगर जो करते हैं तो रेडियस ऑफ इनर सर्कल आता है। तो इसको हम लोग देख लेते हैं, तो रेडियस ऑफ इनर सर्कल है, यानी कि उसकी जगह पे इसको अभी आप मान लें इग्नोर कर सकते हैं, डायरेक्ट फार्मूला था बट इसको अभी मान लिया इग्नोर करते हैं। तो जो हमने निकाला था पिछला, तो वो था हमारा साइड का, यानी कि ए का ए बाय टू हम करते थे तो रेडियस ऑफ इनर सर्कल आता था। अपॉन अगर जो इसी को हम कर लें, तो रेडियस ऑफ सर्कम सर्कल क्या चीज़ है, डायगोनल का है, डायगोनल बाय टू, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि डायगोनल का क्या है, तो डायगोनल का हमने निकाला था तो आया था √2a, √2a आई थी ना वैल्यू, अभी हमने, अभी मैंने निकाल के बताई है। तो अब इसको अगर जो हम फिर से रीअरेंज करके लिखते हैं, तो ए बाय टू और डायगोनल की जगह पे, यहाँ की इसकी जगह पे हम लोग लिखेंगे √2, ठीक है। तो √2 आया, और ये जो नीचे वाला √2 था वो ऊपर आ गया, ठीक है, ये और ये कैंसिल हुआ, ए से ए कैंसिल हुआ, तो यानी कि आ गया 1/√2। तो यहाँ से हमने ये प्रूफ कर लिया कि रिलेशन हमने देख लिया कि क्या होता है एग्जैक्टली। तो ये रिलेशन हमने यहाँ से प्रूफ करके देखा पूरा कि क्या होता है, प्रूफिंग भी जानना बहुत बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो अब उसमें डायरेक्टली कभी, अब सेम क्वेश्चंस जो मैंने वहाँ पे बताए थे, एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन वाला, कि कोई स्क्वायर का, स्क्वायर शेप की अगर जो फील्ड है उसके चारों तरफ कोई भी अगर जो खींचा जाए पाथ, तो उसका एरिया क्या होगा, तो सेम कॉन्सेप्ट है। इसमें भी नेमिंग कर लेते हैं, इजी रहेगा ज़्यादा जानने के लिए। तो ये पी क्यू आर एस मान लेते हैं, और ये है ए बी सी डी। तो अब मान लिए शेडेड रीजन निकालना है, ठीक है, शेडेड रीजन, ये शेडेड रीजन हो गया हमारे पास। इसका अगर जो एरिया निकालना है तो कोई कॉन्सेप्ट याद नहीं रखना है, बस खाली इतना याद रखना है कि एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन इज इक्वल टू एरिया ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर बना हुआ है ना, क्योंकि सबकी साइड सेम है, स्क्वायर और रेक्टेंगल का सेम ही है कॉन्सेप्ट, बट खाली आपको याद रखना है ए बी सी डी, माइनस स्क्वायर और माइनस एरिया ऑफ स्क्वायर पी क्यू आर एस,
आई होप आपको यहाँ तक अभी सारा लेक्चर पूरा समझ में आया होगा, क्योंकि अभी तक ज़्यादा कॉन्सेप्ट वाली बात मुझे लगा नहीं कि कोई ज़्यादा कॉन्सेप्ट है। तो चलिए अब इसके बाद आगे बात करते हैं थोड़ा सा। अब एरिया ऑफ एक और वही सेम कॉन्सेप्ट रहता है, वो मैं दोबारा एक बार बता देता हूँ। कभी कभी होता है कि अंदर बोल देगा कि अंदर अंदर की तरफ लाइन खींची गई है, फिर भी वही शेडेड पोर्शन निकालना है। तो ये अब मैं समझता हूँ कि ये आप कर लेंगे, क्योंकि इधर से साइड का माइनस करना पड़ेगा, बाकी सेम कॉन्सेप्ट है। तो चलिए हम नई बात करते हैं कि कोई स्क्वायर है, ठीक है, स्क्वायर है, और उसके चारों कोनों से अगर जो कोई सर्कल बनाया जाता है। ये भी क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि चारों कोनों से कोई सर्कल अगर जो मान लिया बनाया जाता है, तो इस शेडेड पोर्शन का एरिया क्या होगा। तो स्क्वायर के चारों कोनों से अगर जो कोई सर्कल बना लें हम, तो कुछ इस टाइप का डायग्राम बनेगा। ये सॉरी डायग्राम कुछ गड़बड़ बन रहा है, ठीक है। तो अब इसमें जो ये होगा, तो जो ये हमारी लेंथ होगी, ये रेडियस जो होगा, ये साइड का आधा होगी, ए बाई टू। भले आपको यहाँ समझ में ना आ रहा हो, बट ए बाई टू ही होगी, क्योंकि रेडियस हमेशा सेम रहेगी। चलिए इसको दोबारा प्रॉपर बनाने की कोशिश करते हैं, वरना ज़्यादा इफेक्टिव तरीके से शायद समझ में ना आए। ये हो गया स्क्वायर। अब इसके चारों तरफ ये एक सर्कल, ये दूसरा सर्कल। अरे प्लीज़ इग्नोर कर दिएगा डायग्राम, इग्नोर कर दिएगा, मैं समझाना जो चाह रहा हूँ वो देख लीजिएगा। ये हो गया एक सर्कल। डायग्राम थोड़ा वीक है बट समझने के लिए काफ़ी है, ठीक है। तो इसका जो साइड होगी वो रेडियस होगा वो ए बाई टू, इसका भी ए बाई टू, इसका भी ए बाई टू, और इसका भी ए बाई टू। तो बीच में पूछेगा कि जो बीच में जो एरिया बच जा रहा है उसका एरिया क्या होगा, यानी इसका एरिया क्या होगा। तो यहाँ से अगर जो देखा जाए तो ये क्वाड्रेंट बनना है, सर्कल का जो क्वाड्रेंट होता है ये इस टाइप से जो बनता है, तो वो बनना है। एक इधर से बनना है और एक जो है वो इस टाइप से क्वाड्रेंट बनना है, यहाँ पे ये वाला क्वाड्रेंट, और एक क्वाड्रेंट ये बनना है इस टाइप का ये, और एक क्वाड्रेंट जो बनना है वो इस टाइप से बनना है, ठीक है। और सबका जो है वो ए बाई टू ही है, ए बाई टू, ए बाई टू। तो यानी एक हिसाब से ये चारों क्वाड्रेंट अगर जो बना दें तो एक कंप्लीट सर्कल बन जाएगा, जिसकी रेडियस होगी ए बाई टू, ठीक है। तो अब मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि शेडेड पोर्शन का रीज़न निकालने के लिए आप डायरेक्ट कर सकते हैं एरिया ऑफ ऑफ शेडेड शेडेड पोर्शन इज इक्वल टू एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ सर्कल। तो ये आई होप समझ में आया होगा कि ये अब सर्कल का माइनस कर देंगे तो आ जाएगा एरिया। तो चलिए इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, ज़्यादा लंबा ना खींचें इसको। अब इसके बाद मैं रेक्टेंगल के सॉरी रोम्बस के पैरेललोग्राम्स के कॉन्सेप्ट दूंगा। आई होप आपको वीडियोस अच्छी लग रही होंगी, लग रही हैं तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे करके बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द वीडियोज़ एंड चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।